सो गाइस अभी धक्का मारना पड़ा गाड़ी में। भाई 4:40 गाइस सो बज रहे हैं सुबह के 4:30 और आज हम लोग जा रहे हैं बरेली टू दिल्ली। सबसे पहले मैं वेद को पिक करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए। जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मिलता है वीडियो में आगे आपसे। सो गाइस आई एम फाइनली रेडी और बस मम्मी खाना लगा रही है, पूरी आलू की सब्जी है, और उसके बाद निकलूँगा वेद के घर के लिए। और अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है, बाकी सामान वामान रखता हूँ मैं गाड़ी में। सो फाइनली गाइस हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। सो गाइस अब जैसे देख सकते हैं ये वाली वेद की गाड़ी है और ये वाली मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी में कुछ इशू आ गए थे इस वजह से उसका लेके नहीं आया। गाड़ी चलाते हुए वीडियो चलो बाय 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 गाइस मैं निकल चुका हूँ वेद को लेने के लिए और अभी बज रहे हैं आपके 5:37 और लगभग 10 मिनट में वेद के घर पहुँच जाऊँगा। देखो क्योंकि रोड तो पूरी खाली खाली है और स्पीड 40 की है लगभग मेरी। ये वाला एरिया हमारा मंडी का एरिया है, यहाँ पे सब्जी मंडी सबसे बड़ी मंडी है इस मंडल की, वो वाला एरिया ये, और बहुत सारी सब्जियाँ यहाँ मिलती हैं, पूरा शहर यहीं से सब्जी सप्लाई होती है। तो मिलते हैं आपसे वेद से, मिलते हैं फिर आगे व्लॉग में बढ़ते हैं आगे। तो गाइस देख सकते हैं वेद हमें मिल चुका है और आ जाओ फटाफट आ जाओ आ जाओ भैया आ जाओ मेरी गाड़ी में मेरे साथ। तो गाइस अभी हम लोगों ने थोड़ा रूट चेंज कर लिया है और पहले हम लोग बदायूं से जाने वाले थे पर क्योंकि अभी रोड की आप हालत देख ही सकते हैं इतनी खटारा है तो बदायूं का क्या हाल होगा, तो बदायूं का क्या हाल ही होगा। तो इस चक्कर में हम लोग टोल के पैसे देने पड़े, टोल का पैसा स्पॉन्सर्ड बाय वेद। मुझे यही छोड़ दे, मैं ऑटो से निकल जाऊंगा। तो इस वजह से हम लोग अब बड़ा रूट से जा रहे हैं, गजरगढ़ तक जाना है बस। हाँ अरे हरिया दिखाओ 100 की स्पीड, अभी रोड तो आने दो साला 100 की स्पीड। अरे भाई हाईवे है भाई, चलो देखो तुम्हारे लिए खाली पड़ी है वहां तक। अरे भैया बहुत पुराना पुल है बरेली का और सुविधा की तैयारी दे सकते हैं आप यहाँ पे पुरानी रामगंगाई तो है और काफी अच्छा सीन है और नींद खराब करते हुए दोनों खराब करते हुए दोनों।
कितने भैया? गिन लिया। ओके गाइस, हम लोगों ने 100 किलोमीटर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं और मुरादाबाद हम लोग पहुंच चुके हैं और अब वेद ने गाड़ी संभाल ली है। अगले जो 100 किलोमीटर हैं वो वेद कवर करेगा, मैंने कंप्लीट करे 100 किलोमीटर एक घंटे 30 मिनट में, लगभग 1.5 घंटे में। और पेट्रोल उड़वा लिया है 1000 का यहीं पे भाई, यहीं पे जब मैं लौट कर आया दिल्ली से भी पिछले महीने गया। नहीं 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 हाँ। पिछले महीने तो यहाँ सीएनजी की इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। अच्छा हाँ भैया, वैसे अगर दिल्ली में रहना है तो सीएनजी गाड़ी है। आसपास जाना है। ये देखिए चाय नाश्ता चल रहा है हाईवे के बीचों बीच। ओह माय गॉड, सैंडविचेस। ये चाय तो निकालो। भाई ये देखो खाने का बैग है, खाने का मम्मी ने खाने का बैग बना के दिया है। बत्ती जल रही है बैटरी की, पता नहीं क्यों, तो उस वजह से एक बार चेक कर रहा है कि कुछ इश्यू तो नहीं है। और क्या हुआ है, कुछ है दिक्कत? नहीं है तो सब सही, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तीसरा टोल कंप्लीट करते हुए और थोड़ी सी स्पीड हमारी हल्की हुई है और 8:14 हो गए हैं और किलोमीटर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं 127 किलोमीटर। चलो सो गाइस, अभी धक्का मारना पड़ा गाड़ी में, बैटरी बिल्कुल बंद हो गई थी, कुछ इशू आ रहा गाड़ी में, पर अभी फिलहाल भगवान की दुआ से सब बढ़िया चल रहा है। और अभी रोड भी बहुत प्यारी है, आप देख सकते हैं। गाड़ी खराब हो रहा है गाड़ी मेरे समेटते हुए आए टोल में। बस बुलंदशहर पहुंचने वाले हैं, आधे पौन घंटे में पहुंच जाएंगे। पापा से कह दो, पापा का फोन आ रहा है, अभी गाड़ी चला रहा हूँ। लेटी हुई हो क्या? स्टॉल पे कहीं नहीं रुके? वही चाय, हर्षित चाय लाया था, ब्रेड निकाल ली, खा लिया। गाइस अभी की अपडेट है कि हम लोग लगभग 10:50 के अराउंड बुलंदशहर पहुंच गए थे। हमने दीदी को सारा सामान दे दिया और इससे मैंने बोला था कि एक पास लाने को, ये देखने क्या लाया है। हेलो, 10 पास ये लाइट कौन बंद करे। तो अब हम लोग जा रहे हैं फ्लैट साकेत। गाइस 69 किलोमीटर बचा दिल्ली, अब माय फेवरेट नंबर।
गाइस हम पहुंच चुके हैं दिल वालों की दिल्ली। ऊपर वाले पे चढ़ना, इधर वाले किधर वाले? ऊपर 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 इधर वाले पे, ऊपर ऊपर इधर वाले, हाँ हाँ इधर, और वहीं से भी चढ़ लो। क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है गाड़ी में? वो देखो कूड़े का पहाड़, दिल्ली वालों अपना अपना खुद का माउंट आबू बना दिया। हाँ भाई, और एक नहीं है ऐसे, दिल्ली में बहुत सारे हैं, तीन है शायद। हाँ एक जहांगीरपुरी की तरफ है। हाँ। जब मैं टीसीएस का वो देने गया था, यही तो शूटिंग हुई है ब्रीथ इन द शैडो उसकी, कूड़े के ढेर में। कूड़े के ढेर में हुई है। क्यों? एक सीन कूड़े के ढेर वाला है। अरे ले, यहाँ भी पैसा कमाया जा रहा है। सराय काले कहाँ, ठीक सही जा रहा है। गाइस हम लोग फाइनली फ्लैट पहुंच चुके हैं और चल रहा है खाना। मम्मी ने दिया हुआ खाना, नहीं 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 बहुत नहीं नहीं नहीं, और अभी निकलेंगे फिर ऑफिस के लिए, और लगभग 5 महीने बाद ऑफिस जाने को मिलेगा, तो थोड़ी सी अच्छी फीलिंग है। मिलते हैं आपसे ब्लॉग में, आगे फिर बात करते हैं। सो गाइस फाइनली आज हम लोग लगभग 5 महीने बाद ऑफिस जा रहे हैं, कुछ ऑफिस का काम है तो उस वजह से जाना पड़ रहा है। जा रहे हैं सेक्टर 22 गुड़गांव, कैंबरी नाम था ना, मैं नाम ही भूल गया। अरे ये बिल्डिंग भी ठीक है, सबसे उधर वाली भाई जाके अपना जो ऑफिस का काम है वो कंप्लीट करता हूँ, और फिर यार सुबह से लगभग 350 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं नॉन स्टॉप, और 5-6 घंटे की बढ़िया नींद लेंगे, और फिर उसके बाद 5-6 घंटे नींद लेंगे भाई। अभी रात शाम तक की अंदर ले चलो, तुम भी बैठे हो ना, पूछ लेता हूँ अगर जाने देगा तो अंदर ले चल। कितनी चौड़ी रोड देखा, ये हाइट बाय प्लान बी, इसका प्लान बी फेल हो गया, ये तो फेल था, बी भी फेल हो गया। इधर लगा लो, इधर 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 छाव भी है, उसी गाड़ी बगल में लगा दो। यहाँ पे फटाफट सिस्टम वापस करके आते हैं, फिर वीडियो में आगे बात करते हैं।
सो फाइनली चेक नहीं करा कुछ कर लिया चेक उसी में टाइम लगा सो गाइस सिस्टम वापस हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं वापस और अब आएगी मजानू लाइफ अब फ्लैट पे करेंगे बकचोदियाँ अयासियाँ होंगी फ्लैट पे अयासियाँ सो के अयासियाँ होंगी शाम को भैया आएंगे भैया के साथ पार्टी भी होगी पार्टी शाडी पार्टी होगी बहुत भयंकर पार्टी के गजब नजारे पार्टी होगी राजमा चावल राजमा चावल बनाएगा कौन वेद खाएंगे कौन हम कब्स किसे होगा वेद को इधर इधर चलो गाइस मिलते हैं आपसे सीधे फ्लैट पे बहुत ज्यादा थक गए हैं बिल्कुल हालत नहीं है कुछ बता देंगे चलो राम राम